हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी जूम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसलीन के एक अनदर बॉडी लोशन का रिव्यू। इससे पहले भी मैंने वैसलीन के बहुत सारे बॉडी लोशन का रिव्यू अपने चैनल में डाला हुआ है, तो अगर आपने भी नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको जो सा भी बॉडी लोशन अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो आज जो मैं बॉडी लोशन का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो समर के हिसाब से है, और वो है वैसलीन का ये हेल्दी ब्राइट वाला बॉडी लोशन जिसमें है SPF 30। तो जब मुझे भी एक बॉडी लोशन चाहिए था अभी समर के लिए, तो मैंने सर्च किया और मुझे ये वाला बॉडी लोशन दिखाई दिया। तो मैंने सोचा इसे लेके देखती हूँ, इसे यूज करके देखती हूँ कि ये कैसा है और कैसा वर्क करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, समर में हम लोग को सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फेस में तो हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोग बॉडी में सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला जो बॉडी लोशन है इसमें SPF 30 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम लोग बाहर अभी निकलेंगे थोड़ा सा भी धूप में तो क्या होता है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मैंने सोचा एक बॉडी लोशन का भी काम करेगा, साथ ही सनस्क्रीन का भी काम ये करेगा। विंटर में जिस तरह से मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह ही समर में भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो आप अगर विंटर में बॉडी लोशन लगाते हैं और समर में नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप समर में भी बॉडी लोशन ज़रूर अप्लाई कीजिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, कि आपकी स्किन को क्या रिक्वायरमेंट है और आपके आप जहाँ रहते हैं उसके वेदर के अकॉर्डिंग आप बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल बता देती हूँ कि कैसा है ये बॉडी लोशन और कंपनी जो है इसकी जो इसके बारे में क्लेम करती है वो सही है या नहीं, वर्क करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। तो वैसलीन के जो नॉर्मल बॉडी लोशन है उसी की तरह इसकी पैकेजिंग है। बड़ा वाला पैक अगर आप लेते हो ये 400 ml का पैक है, तो अगर ये वाला आप लेते हो तो इसमें आपको पंप मिल जाता है, लेकिन अगर आप छोटा वाला पैक लेते हो तो फिर आपको उसमें पंप नहीं मिलता है। और अगर हम लोग इसके MRP की बात करें तो यहाँ पर इसकी MRP है 375 rupees, लेकिन ये आपको ऑनलाइन अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, नायका में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, सभी जगह ये अवेलेबल है, और आपको जहाँ पर भी आपके हिसाब से लगे कि जहाँ अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आप वहाँ से इसे जल्दी से ग्रैब कर लें। सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसमें आपको 3 साल की सेल्फ लाइफ मिलती है, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो अब हम लोग इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंपनी इसमें क्या क्या क्लेम करती है। तो सबसे पहला जो क्लेम यहाँ पर है कि नॉन ग्रीसी है, यानी कि इसे लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत ही अच्छा है, नॉन ग्रीसी तो है, साथ ही साथ आपको मॉइस्चराइज भी अच्छे से आपकी स्किन को करता है। तो ये वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है, आपको इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगा, चिपचिपापन फील नहीं होगा। नेक्स्ट जो यहाँ देख सकते हैं इसमें बोला गया हेल्दी ब्राइट सन प्लस पॉल्यूशन प्रोटेक्शन ये आपको देगा, और इसमें मल्टीविटामिन है, यूवी लोशन है, और ये है PA++। तो PA जो प्लस प्लस जितना बढ़ता जाता है उतना अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन का काम ये करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके ब्राइटनेस की, क्या इसे लगाने से स्किन ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो हाँ, ये स्किन को ब्राइट करता है, लेकिन सिर्फ टैन को रिमूव करके ये ब्राइट करता है, ये आपको गोरा नहीं बनाता है। बात है SPF 30 इसमें है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इसमें SPF 30 मिल रही है, और SPF जो 30 है इंडियन स्किन टोन के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा हमें SPF की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम लोग धूप में बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर आप घर में रहते हो तो SPF 15 SPF 20 से आपका काम चल जाएगा। तो अब बता दूं कि इसे लगाना कैसा है, जैसा कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया गया कि हाउ टू यूज, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि इसे दिन में 2 बार लगाना है, नॉर्मल जो आप बॉडी लोशन लगाते हैं उस तरह से। और अगर आप दिन में ज़्यादा धूप में बाहर रहते हैं, जैसे 6-7 घंटे के लिए आप धूप में रहते हो, तो आप इसे रीअप्लाई करें, इसी से इसके फायदे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार सुबह लगा लेते हो और आप 6-7 घंटे धूप में रहते हो तो फिर ये काम करेगा, ये आपको 3-4 घंटे तक अच्छा प्रोटेक्शन देगा, टैनिंग से आपको बचा कर रखेगा सनटैन से, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसे एक बार रीअप्लाई करना जरूरी है। तो ये हो गई इसकी सारी डिटेल, और इसे कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका टेक्सचर आपको मिलेगा, तो देख सकते हो आप। फ्रेग्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही लाइट सी
फ्रेग्रेंस है इसकी, ज्यादा आपको इसमें परफ्यूम नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। मुझे कम फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट काफी पसंद आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं दोनों हाथ को भी दिखा दूंगी आपको कि फर्क कैसा है। और वैसलिन के ज्यादातर बॉडी लोशन ना मुझे अच्छे लगते हैं, तो आपको मेरे चैनल में सभी के रिव्यू देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आप किसी और बॉडी लोशन का रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आप देख सकते हो फर्क, इसमें हल्का सा आपको थोड़ा सा ग्लो दिखाई देगा, और मॉइस्चराइज होने के बाद स्किन काफी अच्छी हेल्दी हो जाती है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, आपकी स्किन पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है लगाने के बाद। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन समर में भी बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, तो फिर ये वाला बॉडी लोशन आप ना ही यूज करें तो ठीक है, ये एकदम एक्सट्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए ये नहीं है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो फिर ये बॉडी लोशन आपके लिए है, आपकी स्किन पे ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज के इस बॉडी लोशन के बारे में सारी डिटेल। अगर आप अभी समर में कोई अच्छा सा बॉडी लोशन लेना चाह रहे हो, तो आप इसे ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। SPF 30 मिल रहा है इसमें, जो कि काफी अच्छी बात है। बॉडी लोशन लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया, इसमें ही आपका दोनों काम हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं डे क्रीम में भी चाहती हूँ कि मुझे SPF 15 या 20 मिल जाए, जिससे कि मेरा काम हो जाए। तो ये थी इसके बारे में सारी डिटेल। आपको वैसलिन के और भी बॉडी लोशन का वीडियो मेरे चैनल में मिलेगा, मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवा दे रही हूँ, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरों को भी पता चल जाए, दूसरों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।